वाई ज्वेलर्स से बोल रहे हैं? मैं खूबसूरत बोल रही हूँ, आपको नहीं अपने आप को बोल रही हूँ। वो मैंने पूछना था, मेरा डायमंड का नेकलेस आ गया? वेरी गुड, आप प्लीज घर पे डिलीवर कर देंगे? जी जी, कैश दूंगी, डोंट वरी। एक्चुअली मेरे घर में कल हाउस वार्मिंग पार्टी है ना, तो उसमें पहनना था, प्लीज आ जाइएगा। पार्टी पर नहीं, नेकलेस डिलीवर करने। अरे भाई, मुझे वही सोफा चाहिए जो मैंने पसंद किया था। क्या? अरे बिक कैसे गया? आप वापस मंगवाएं उसको। पैसों वैसों की फिक्र नहीं करें, बहुत पैसा है मेरे पास, डबल पैसे ले लीजिएगा मुझसे। आज शाम तक वही सोफा मेरे घर पहुंच जाना चाहिए, समझे आप? अरे जावेद साहब, बताइए फिर क्या सोचा है आपने? नहीं 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 जावेद साहब, घर तो हमें यही चाहिए। ना ना ना, इस घर में 60 एपिसोड किए हैं जावेद साहब, इस घर से यादें वाबस्ता है। और दूसरी बात यह कि जेजे नहीं मानेगा नई लोकेशन का, आपको पता कितना जिद्दी बच्चा है वो। जी 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 जी। अरे नहीं नहीं जावेद साहब, छोड़े आप इस बात को, आप ये बताइए पैसा बताइए, किसमें? डॉलर में, दिरहम में, स्टर्लिंग में, बताइए बस आप बताइए पैसे। ठीक है, अब आप एक काम करें, आप कागजात तैयार करें, मैं शाम में आ रहा हूं। अरे जावेद साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मोटरसाइकिल के कागजात नहीं, घर के कागजात तैयार करवाइए। जी जी, बस मैं शाम को आ रहा हूं, खुदा हाफिज। जानू, मैं तुमसे कहता था ना, मुझ पे यकीन रखो, मेरी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारा क्या हाथ है इसमें? जानू, मैं प्रोड्यूसर हूँ। नबील, नबील, मैंने सोफा मंगवा लिया नया। यार महमूद साहब, अब आप मेरा पैसा इस तरह लुटाएंगे? ये जो मैं इस तरह से लुटा रहा हूँ वो तुम्हारा पैसा है? हाँ जी। अच्छा जी। यार महमूद साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाँ इतना कुछ लिया है वहाँ एक गार्ड भी ले लूँ। अरे तुम गार्ड का क्या करोगे, तुमने यहाँ कौन सी क्रिकेट खेलनी है? महमूद साहब, मैं सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहा हूँ। नबील, फिर तो तुम एक मोबाइल भी ले लो। जानू मोबाइल है मेरे पास। ओहो, मैं मोबाइल वैन की बात कर रही हूँ। सलमान इकबाल की तरह? हाँ। ये ठीक है। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन ये मोमो कहाँ है? बहुत भारी है ये। चल बच्चा इधर रख दे। बच्चा है? अरे माँ जी, किसका बच्चा उठा लाई है? ये दुकान वालों का बच्चा है। अरे मैं इसकी नहीं, डब्बे वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ यार। मैं डब्बे वाला बच्चा नहीं हूँ, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है। तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो चल निकल उधर से, दबाओ। मोमो, ये क्या उठा लाई हो? ये सैनमा है मसरूर। महमूद। हाँ ये महमूद है सैनमा। माँ जी, आप इस एलईडी का क्या करेंगी? मैं अपने कमरे में लिखवाऊंगी और वो बड़ा वाला चश्मा पहन के देखूंगी। ओ माँ जी, चेक करके लीजिएगा, कहीं खराब ना हो यार। चश्मा? चश्मा नहीं, एलईडी। हाँ तो पुत्र, चेक करके पैसे देंगे ना, मैं भी बड़ी चलाक हूँ। आपकी गाड़ी की चाबी। गाड़ी आ गई? जी सर। महमूद साहब, क्या है नबील? महमूद साहब, गाड़ी आ गई। तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं तो? तो फिर गाड़ी क्यों मंगवाई है? महमूद साहब, हमारी नई गाड़ी आ गई है। अच्छा? हाँ जी, और ये अभी भी चाबी लेके आए हैं। तो गाड़ी क्या खुद आएगी? सर गाड़ी बाहर खड़ी है ईंटों पर। अरे महमूद साहब, 1000 रुपए दें यार। अरे 1000 रुपए में कौन सी गाड़ी ले ली यार? महमूद साहब, 1000 रुपया मैं इसे दे रहा हूँ डिलीवरी का। आजकल डिलीवरी 1000 रुपए में हो जाती है? अरे वाह। महमूद साहब, गाड़ी की डिलीवरी का 1000 रुपया दे प्लीज। अच्छा, ये लीजिए भाई। सर गाड़ी देख ले। चलो। नहीं नहीं महमूद साहब, कोई जरूरत नहीं है गाड़ी देखने की, हमने कौन सा पहली बार गाड़ी ली है, हम तो हर महीने गाड़ी लेते हैं। ज्यादा हो गई नबील। हाँ हाँ महमूद साहब, ज्यादा पुरानी हो तो हम बेच देते हैं, क्यों महमूद साहब? अरे मुझे क्या पता, मैं तो सारा साल अपने पानी के जहाज पर गुजारता हूँ। महमूद साहब, उसे पानी का टैंकर कहते हैं। सर गाड़ी की पेमेंट? ये बहुत अच्छी बात की आपने, और मौका भी बिल्कुल ठीक है। महमूद साहब पेमेंट करें जरा। अरे अभी तो 1000 रुपए की है पेमेंट। महमूद साहब गाड़ी की पेमेंट करें यार। अरे तुमने मेरे पास थोड़ी रखवाए थे पैसे? माँ जी से पैसे लेकर आए महमूद साहब। तुम भी चलो भाई। मगर सीन तो खत्म होने वाला है। अगले सीन में चांस दे रहे हैं तुझे बट्टी। आजा 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 आजा, चल भी चल। आइए 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 आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए।
थैंक यू खूबसूरत, तुम इनके लिए जूस लेके आओ। व्हाट? मैं वो साहब आइए मां जी से पैसे लेके आते हैं। मैं भी आती हूँ। अरे तुम आ जाओगी तो इसको जूस कौन बना के देगा? मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप बाजार से जाके खुद ही ले लीजिए। जी बेहतर, मगर थोड़े ज्यादा पैसे दीजिएगा, मैं अपने बच्चों को नहीं ले जाऊंगा। बिल्कुल ऐतराज़ वाली बात की है आपने। आइए माँ जी। हाय माँ जी, गाड़ी आ गई है। चल पुत्र घूमने चलते हैं। माँ जी पहले पैसे तो निकाले यार। तू मुझे घुमाने के पैसे लेगा खुर्रम फरीद? नबील माँ जी। है नबील लेगा? अरे नबील नहीं लेगा, वो जो गाड़ी लेकर आया है वो लेगा। वो गाड़ी लेगा तो फिर हम क्या लेंगे? माँ जी गाड़ी खरीदी है उसके पैसे दे। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? क्या नबील, मैं तुम्हें अभी कह रही हूँ कि इससे पहले कि किसी के दिल में पैसों का लालच आए उसको चार हिस्सों में इक्वली बांट लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ताकि जिस तरह जिसने खर्च करने अपनी मर्जी से करे। बिल्कुल ठीक है, 50% तो मेरा हो गया, बाकी तुम लोग बांट लो। तुम्हारा 50% कैसे हो गया भाई? महमूद साहब माँ जी को गुंडों से किसने छुड़वाया? मैंने खुद। हाँ तो ठीक है, फिर 50% माँ जी को दें, और माँ जी के बाद किसको मिलेंगे? मुझे। ठीक है यार, फिर चारों में बराबर बांटो। चलो मामो। हाँ चले, मैं तैयार हूँ। अरे बैग तो निकालो यार। हाँ ये रहा बैग। अरे माँ जी ये बैग नहीं, वो बैग जिसमें दिरहम थे, इसमें सिर्फ भरम है। मेरे पास तो यही बैग है पुत्र। ओ सारी सारी, मेरे पास तो यही पुत्र है बैग। अरे कैसी बातें कर रही हो मोमो, वो नोटों वाला बैग कहाँ है? वो तो मैंने उधर एयरपोर्ट पे रखा था। क्या? हाँ माँ जी आपने क्यों एयरपोर्ट पे रख दिया? उन्होंने कहा बैग मशीन में रख दे, तो मैंने रख दिया। तो आपने उठाया क्यों नहीं? तू क्या सो रहा था? माँ जी बैग क्यों नहीं उठाया यार? वो मशीन के अंदर चला गया था ना, तो मैंने सोचा खुद ही आ जाएगा। ये आपने क्या कर दिया माँ जी? ओमो। कोई नहीं पुत्र, तू जाके एयरपोर्ट से ले आ। माँ जी। ओमो। नहीं। आप लोगों से कोई काम ठीक तरह से नहीं होता यार। ये बात तुम नबील के बारे में कह सकती हो, मेरे बारे में नहीं। मैं सब काम ठीक तरह से करता हूँ, क्यों मोमो? माँ जी को बैग देने की क्या जरूरत थी? बकवास बंद कर फिजीला। खूबसूरत। हाँ खूबसूरत को भी बंद कर। गाड़ी भी गई और घर भी। अरे घर कहाँ गया, घर तो यही है। हेलो जी बोल रही हूँ। नहीं वो आप सेट कैंसिल कर दें, मुझे कोई और सेट पसंद आ गया। खबरदार जो मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। नबील ये बंदा मुझे गालियाँ दे रहा है यार। इसकी ये जुरत, बदतमीज। बंद करो फोन फौरन। क्या? हाँ जानू। अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने फोन की बैटरी निकाल के बाहर रख दो, अब बहुत से फोन आएंगे। ये तो शुक्र है कि हमने घर का पता नहीं दिया। लेकिन महमूद साहब जावेद साहब का क्या करें यार, उनको तो अपने घर का पता पता है ना। मैं कुछ बोलूं पुत्र? बोले माँ जी। ये केले बड़े मजेदार हैं। क्या? हाँ अच्छा जी, आप मुझे ना नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। रुको मोमो, मैं भी आता हूँ। महमूद साहब आप क्या लोरी सुनाने जा रहे हो उन्हें? जज शरीर कई का। महमूद साहब नबील मेरा दिल घबरा रहा है। दिल तो मेरा भी घबरा रहा है जानू। नबील मुझे चक्कर आ रहे हैं यार। मुझसे ज्यादा नहीं आ रहे होंगे, करोड़ों रुपया मेरे हाथों में आते आते निकल गया है। नबील तुम्हें जरा मेरी फिक्र नहीं है। तुम्हारा तो सिर्फ एक डायमंड सेट गया है, मेरा सोचो घर गाड़ी सब कुछ गया। मैंने तो सोचा था कि मैं कारोबार करूंगा यार। क्या? हाँ जानू मैंने सोचा था, आज तक मैंने तुम्हारे पापा से जितने भी पैसे लिए हैं वो सब वापस कर दोगे? नहीं उतने ही और लेके ना बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दूंगा और आराम से बैठकर जिंदगी गुजारूंगा याशी के साथ। और कारोबार क्या करते? अरे जानू इससे अच्छा कारोबार और क्या हो सकता है, घर बैठे बैठे पैसे मिलते। अच्छा ही हुआ कि वो बैग नहीं मिला हमें। शट अप नबील।
मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, प्लीज डॉक्टर के पास चलो। खूबसूरत, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास यार? मुझे दिखाएगा कौन? तुमने आज तक डॉक्टर नहीं देखा? नबील, नीला जा मेरे लिए अच्छी से चाय बना के लेकर आ। माजी खूबसूरत, चल खूबसूरत से चाय बना ले। माजी मेरी तबीयत पहले इतनी खराब है और आप मुझे चाय बनाने को बोल रही हैं? चुप है, मैं तेरे ये रोज रोज के कमाने से तंग आ गई हूँ। बहाने माजी? मैं बहाने नहीं, चाय बनाने की बात कर रही थी। चल उठ, चल शाबाश, चल। ये तू क्या मुंह लटका के बैठा हुआ इधर? माँ जी मुझे आपसे बात नहीं करनी यार, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ओए खबरदार जो मुझ पे इल्जाम लगाया हो, मैं तो इधर ही बैठी थी। ओह निबील, क्या हुआ? महमूद साहब बैग मिल गया? हाय मुझे तो पहले ही पता था ये सब फरासत की शरारत है। कौन फरासत? आप और कौन? मेरा नाम महमूद है। तो फिर शरारत? अरे यार कहाँ से मिला महमूद साहब बैग? अरे खूबसूरत को उल्टी हुई है तो बैग उसमें से निकला है। हाय मुझे तो पहले ही पता था, सारा पैसा तेरी बीवी खा गई है मीन फीम। अरे बैग नहीं मिला, खूबसूरत किचन में उल्टियां कर रही है। तो मैंने तो उसको चाय बनाने को कहा था, उस लड़की से कोई काम ठीक तरीके से नहीं होता। लगता है खूबसूरत की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। नहीं मैं उल्टी वाली चाय नहीं पीऊंगी। अरे तुम सीधी वाली पी लेना। हाय उसने सीधी भी की थी। ओ उल्टियाँ की है। ओ माँ जी बस करते यार, आप हमें तो ना उल्टियाँ करवाएं यार। नबील मुझे लग रहा है कि खूबसूरत को कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। वशे वशे। यार महमूद साहब इतनी जल्दी कैसे हो गई यार? अबे हो सकता है वो दुबई से कोई खतरनाक बीमारी साथ ले आई हो। खरीद के? अरे नहीं भाई, आजकल खतरनाक बीमारियाँ फैली हुई है, हो सकता है उसे स्वाइन फ्लू हो गया हो। महमूद साहब उसे उल्टियाँ आ रही हैं, छीके नहीं आ रही। अरे नबील स्वाइन फ्लू की आखिरी स्टेज होती है वो उल्टियाँ ही होती हैं, और ये बीमारी साथ रहने से फैलती है। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब? मेरी इतनी तबीयत खराब है फिर भी आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाई हूँ। कुछ नहीं, तुम्हें मुझसे कोई काम है? नहीं मुझे थकन सी हो रही थी तो सोचा थोड़ी देर लेट जाऊं। हाँ तो लेट जाओ, मैं बाहर टीवी देख लेता हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है नबील। हाँ तो मैं लाउंज में जा रहा हूँ ना, हम फोन पे बात कर लेते हैं। मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा। ओके बाय जानू। ये चपट चपट तो बंद करो। मोमो मुझे लगता है कि खूबसूरत मरने वाली है। हैं? हाँ। आपको कसम शमीम कोरमा बनवाइएगा आप। खूबसूरत का? नहीं गाय का। अरे वो तो बनवा ही लेंगे, लेकिन मुझे ये डर है कि खूबसूरत के साथ रहते रहते कहीं हमें भी ना लग जाए कोरमा। खूबसूरत की बीमारी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी परवेज। महमूद। नहीं मैं महमूद भी नहीं होने दूंगी तबरेज। नहीं महमूद मैं हूँ यार। लेकिन आप तो हो गए। ताली की आवाज आती है ना क्या? तुम चबर चबर ही करो। क्या हुआ?
पता नहीं जानू, तुम ये प्लेट ले लो, ये प्लेट ले लो जानू। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जानू सोने जा रहा हूँ, मुझे बड़ी नींद आई हुई है। तुम मेरे साथ खाना तो खा लो। जानू मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे बड़ी शदीद नींद आ रही है। गुड नाइट। तुम? हमने ये मुंह पर क्यों पहना हुआ है? अरे खूबसूरत बीमार है इसलिए। तो हमने क्या उसका ऑपरेशन करना है? अरे नहीं, उसको जो बीमारी है हमें ना हो जाए इसलिए पहना हुआ है। अच्छा। हाँ जी। यार महमूद साहब, अब खूबसूरत का क्या करें? अरे मैं तो कहता हूँ उसको किसी तरह घर से निकालो। हाँ ये ठीक है, ताकि बीमारी फैलाए ना, तो वो भी बाहर। अरे यार ऐसे कैसे निकाल दूं, मेरी बीवी है। हाँ तो पुत्र दूसरी ले आ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं तो कहता हूँ उसे उसके बाप के घर पहुँचा दो, वो बहुत अमीर आदमी है, उसका इलाज भी करवा लेगा। अगर तो वो ठीक हो गई तो तुम्हारी, वरना अपने बाप की। कितने जलील है ना आप। ज़हीन। नहीं इस बारी मैंने आपको जलील बोला है। मोमो। अरे यार आप दोनों लड़ना तो बंद करें। मेरी मानो तो उसको जाके अभी साफ साफ कह दो कि अपने बाप के घर चली जाए। हाँ ये ठीक है। मैं उससे बात करती हूँ। ये मत उतारना एक मिनट के लिए भी, बहुत खतरनाक बीमारी है। आप तो परे हो जाए ना। है? अरे मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ। जानू लग रहा तुम अपने पापा को बहुत मिस कर रही हो। तुमने अपने मुंह पे क्या पहन रखा है? मास्क है जानू, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा ही लगना था तो पूरे मुंह पर पहनते ना। हैं? तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है नबील? फिक्र है जानू, चलो तैयारी पकड़ो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे पापा के पास भिजवाता हूँ। बजाय मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने के तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। अरे बस इतनी सी बात, अभी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, उससे वापसी पर तुम अपने पापा को मिल लेना। नबील पापा लाहौर में है। हाँ तो लाहौर कौन सा दूर है, डॉक्टर से मैं सीधा तुम्हें एयरपोर्ट ले जाऊंगा, वहाँ तुम अपने पैसों का टिकट लेना और लाहौर चली जाना। ऐसे कैसे चली जाना, ये भी नहीं पता कि फ्लाइट होना हो। जानू दिन में 4-5 फ्लाइटें होती हैं, वरना ऐसा क्या मसला है 4-5 घंटे इंतजार कर लेना। क्या तुम के अपने पापा से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर 4-5 घंटे बैठ नहीं सकती? नबील पहले मुझे डॉक्टर के पास तो लेके चलो। हाँ जानू तुम बैग तैयार करो, मैं बाहर बैठा हूँ। नबील, नबील। जानू टैक्सी आ। मुमताज मेरा नाम है। फरमाइए मुमताज। मुझे नहीं लगता कि खूबसूरत अब कभी वापस आएगी। क्यों, उसके पास वापसी का किराया नहीं है? वापसी का टिकट नहीं है। हाँ? छोड़ो ना खूबसूरत को, हम अपनी बातें करते हैं। किससे? मोमो देखो दुबई में ना हम अच्छी तरह से अपना हनीमून नहीं मना सके, हम ना नए सिरे से तैयारी करते हैं हनीमून की। मामो लगता है खूबसूरत रास्ते में गुजर गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हमेशा मुझे भूल जाते हैं। क्या बात है नबील, मुबारक हो महमूद साहब। अरे तुम खूबसूरत से इतने तंग आए हुए थे कि उसके मरने पर इतने खुश हो रहे हो? अरे यार महमूद साहब खूबसूरत माँ बनने वाली है। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि उसे जरूर कोई खतरनाक किस्म की बीमारी है, अब क्या करेंगे? ओ माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? पुत्र अब तो तू उसे इस घर से निकाल ही दे। हाँ। अरे महमूद साहब यार आप ही समझाएं माँ जी को। अरे क्या समझाऊं कि खूबसूरत माँ बनने वाली है,
अरे लेकिन तुम्हारी माँ तो पहले से है नबील, ये देखो। ओ यार महमूद साहब, मैं बाप बनने वाला हूँ। देखो पहले ये तय कर लो कि वो माँ बनने वाली है या तुम बाप बनने वाले हो। अरे यार। हाय पुत्र, लगता है तुझे बहुत जोर का सदमा लगा है। अरे माँ जी, आप समझ नहीं रही, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? हाँ। हाय शोशे। मामा। माँ जी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।